गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर से क्लास 9 में लॉग लगभग चल रहा था, उसके आगे चलेंगे हम। आज हम जानेंगे लगभग के कुछ नियम होते हैं, आखिर क्या क्या नियम होते हैं, तो हम जानेंगे लघुगणक के नियम, रूल ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, लॉस ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स क्या होता है आज हम देखते हैं। इसमें पहला काम यह होता है, प्रथम नियम हम देखते हैं। प्रथम नियम हमारा यह होता है कि जब लॉग बेस ए कहीं पर भी लॉग बेस में ए और एम और एन लिखा होता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ये लॉग एम लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन होता है। ये जब ऊपर अगर कोई दो लॉग उसका आधार सेम है, उसका बेस क्या है सेम है, अगर कोई भी दो लॉग दिया गया है, अगर उसके हम सिंपल मेथड में लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आधार सेम है तो, आधार सेम है तो हम इसको कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कैसे करेंगे, देखिए हमने माना जो लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स है और लॉग ए एन इज इक्वल टू हमने मान लिया वाई है। जब ये वाई हमने मान लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर में एक्स इज इक्वल टू एम, इसको लिख सकते हैं ए की पावर में वाई इज इक्वल टू एन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको, बताया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इसको और इसको, m into n is equal to a की पावर में x into a की पावर में y हमने लिख दिया, a की पावर में x into a की पावर में y हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए जब ये आधार यहाँ पे आपने घातांक में पढ़ा होगा, जब ये आधार यहाँ पे सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाता है, तो m n is equal to a की पावर में x plus y हो जाता है। सबको पता है मतलब a की पावर में y हो जाता है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, log लेंगे। अब log a m n, log a m n is equal to क्या हो जाएगा, अब ये बेस तो सेम है, यहां पे चला आया, अब x plus y बचेगा पावर, तो x plus y को लिख देंगे, क्या लिख देंगे x plus y, ये बचेगा x plus y। हमने क्या लिखा, x बराबर ये लिखा है, y बराबर ये लिखा है, तो log a m n is equal to x की जगह पर log a m plus y की जगह पर log n a, log ये हमारा प्रूफ हो गया। इस पे आपका एक आधा क्वेश्चन, चलिए इसको पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, इस पे कैसे करें, क्वेश्चन से पूछता कैसे, क्वेश्चन इस पे पूछता कैसे, आइए हम सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लॉग 10 5, लॉग 10 5 पता सबको, लॉग 10 5 हमने दे दिया और प्लस लॉग 10 3 क्या होगा। अभी हमने देखा कि जब लॉग आधार अगर सेम है, दोनों का योग हमें करना है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे log 10 15, क्या प्रूफ कर सकते हैं इसको बोलिए। अब इसे प्रूफ किया, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x y हम पहले लिख लेंगे,
y मान लेते हैं, इसको x माना इसको y माना, तो x की पावर में 5 लिखेंगे ना। अगर हम इसको x मानेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर में 10 की पावर में 5 10 की पावर में x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हमने x माना तो 10 की पावर में x इज इक्वल टू 5 और 10 की पावर में y इज इक्वल टू 3 इसको ले लेते हैं हम। अब देखिए यहां पे दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10xy 10 10 की पावर में x 10 की पावर y इज इक्वल टू 15 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर में x प्लस y इज इक्वल टू 15 लॉग ले लीजिए, तो लॉग 10 बेस 15 इज इक्वल टू x प्लस y यही तो दिया गया है, x प्लस y यही तो दिया गया है और क्या दिया गया है, हमने इसको प्रूफ कर दिया 10 की पावर में 15। अब इसी पे का दो क्वेश्चन हो, जैसे दूसरा क्वेश्चन log 10 बेस 7 प्लस log 10 बेस 3 इसका क्या होगा, इसका होगा log 10 बेस 21 कैसे बताना बेटा कैसे, फिर से बोलिए हमें इसको x मानना है इसे y मानना है, इसको लिखेंगे 10 की पावर में x इज इक्वल टू 7 इसको लिखेंगे 10 की पावर y इज इक्वल टू 3 और 10 की पावर में x into 10 की पावर में y इज इक्वल टू 21 दोनों का हमने गुणा कर दिया। अब ये इन दोनों का आधार सेम है तो घात टूट जाएगा, 10 की पावर में x plus y इज इक्वल टू 21 अब आप क्या करेंगे log ले लेंगे, तो log 10 21 इज इक्वल टू x plus y, अब x plus y की वैल्यू क्या है, x plus y की वैल्यू हम लिखेंगे log 10 बेस 7 प्लस log 3 बेस, ये हमारा करने का आसान तरीका और इसको हमने करने का तरीका बता दिया। ये हमारी पहली पहला रूल हो गया, ये हमारा पहला नियम हो गया लाभ का, ये पहला नियम क्या है। इसी प्रकार से हम दूसरे नियम पर चलेंगे, लाभ का दूसरा नियम क्या होता है, लाभ का पहला नियम हमने जान लिया कि अब कभी भी log बेस a m अपान n अगर लिखा होता है तो इसको क्या लिखते हैं, log a m माइनस log a n, इसको प्रूफ भी करना है। फिर वही चीज हम क्या करेंगे, log हमने मान लिया कि log जो ये वाला जो है इसको आपने x मान लिया और इसको आपने y मान लिया, जैसे log a m is equal to x log a n is equal to y, तो यहां से क्या लिखेंगे, log हटेगा तो a की पावर में x is equal to m a की पावर में y is equal to n, सबको पता है a की पावर में n, अब दोनों क्या करें डिवाइड कर दीजिए दोनों को, दोनों जब आप डिवाइड करेंगे a की पावर में x बटा a की पावर में y is equal to m अपान n, अब ये जब आधार जब सेम है और दोनों को भाग किया गया है तो उसका घातांक क्या होता है माइनस हो जाता है, तो a की पावर में x माइनस y is equal to m अपान n, अब आप log ले लीजिए दोनों तरफ log लेंगे तो log a m अपान n is equal to x माइनस y, अब x माइनस y में क्या माना, x को हम log a माने हैं, क्या लिखेंगे log a m upon n is equal to log a m minus log a, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ करने का तरीका। हम क्या देखें, पहले हमने इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, अब इसको log हटाएंगे तो a की पावर में x is equal to m हो जाएगा, a की पावर y is equal to n हो जाएगा, अब यहां से a की पावर में x बटा a की पावर में y is equal to m upon n लिख सकते हैं, अब दोनों का आधार सेम है तो घातांक माइनस हो जाएगा, a की पावर में x माइनस y इज इक्वल टू m अपान n, तो log a इज इक्वल टू m अपान a बराबर x माइनस y, x क्या है log m बेस a और y क्या है log n।
इसको हम लिख सकते हैं log 50 माइनस log 150, log 50 माइनस log 150। कैसे? अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको हमने क्या माना x माना और इसको हमने क्या माना y मान लिया, तो क्या लिखेंगे log 50 is equal to x, यहां से आया log 147 is equal to y, और log जब हटेगा तो क्या आया 10 की पावर में x is equal to 50, 10 की पावर में y is equal to 147। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो 10 की पावर में x upon 10 की पावर में y is equal to 50 upon 147, तो यहां से क्या आया 10 की पावर में x minus y is equal to 50 upon 147। अब क्या करेंगे, हम log ले लेंगे दोनों तरफ, जब log लेंगे तो log 10 base 50 upon 147 is equal to x minus y। अब x की वैल्यू क्या है, log 50 minus 147, log 147 लिख देंगे हम यहां पे, यहां पे log 50 minus log 150, ये हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर। इसी पे क्वेश्चन और देते हैं आपको, करिए आप दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5 क्या होगा बताइए। हमने क्या देखा था, log 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, log 2 इसका आंसर है, log 2 इसका आंसर है, बोलिए log 2 है आंसर। अब देखिए करने का तरीका, हमने देखा कि log 10 बेस m माइनस log 10 बेस n इज इक्वल टू log 10 बेस m अपॉन n होता है, इसी तरीके से ये भी लिखा है, क्या लिख देंगे हम log 10 बेस में 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा log 2 हमारा आंसर, log 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये थे इसके दो नियम होते हैं, लघुगणक के दो नियम होते हैं, बाकी बचे नियम की चर्चा